के एक कंजर्वेटिव मैगजीन काशी टेक पत्र में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को इस्लाम को लेकर एक दायित्व दी गई है कि उस पत्र में साफ लिखा हुआ है कि इस्लाम की वजह से आज फ्रांस का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। मैगजीन में प्रकाशित ये पत्र फ्रांसिस सेनाओं में सेवानिवृत्त एक गुट का है। इस मैगजीन में पिछले महीने भी इसी तरह का एक पत्र प्रकाशित हुआ था जिसमें गृह युद्ध की चेतावनी दी गई थी। हालांकि फ्रांस के गृह मंत्री और इमैनुअल मैक्रोन के करीबी सहयोगी जेरार्ड मैनिन ने इसे कुछ लोगों की कच्ची पैतरीबाजी बताई थी। मंत्री ने पत्र लिखने वालों में साहस की कमी का आरोप लगाया है। पिछले महीने प्रकाशित पत्र को लेकर फ्रांस में काफी हंगामा हुआ जिस पर कुछ अधिकारी और 20 अर्धसैनिक और रिटायर्ड सैनिकों के हस्ताक्षर थे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस प्रकार पत्र लिखने वालों को अस्वीकार करार दिया और कहा था इसके पीछे जो लोग भी होंगे उनको दंडित दिया जाएगा। फिलहाल अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि अभी वाला पत्र लिखने वाले कौन है और कितने लोग हैं और वह सेना में किस रैंक पे कार्यरत है। और इसी के साथ इस पत्र में लिखा गया है कि हम किसी चीज को बढ़ावा नहीं दे रहे, हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, हम आपके देश के अस्तित्व की बात कर रहे हैं जो कि आज खतरे में है। पत्र लिखने वालों ने स्वयं को अपने आप को सेना में कार्यरत युवा पीढ़ी बताया है। साथ ही पत्र में दावा किया गया है कि उन्होंने इस्लामिक कट्टरवाद को खत्म करने के लिए अपनी आहुति दी और वहीं राष्ट्रपति ने इस्लामिक कट्टरवाद को पनपने के लिए रियायत दी। गौरतलब है कि ये पत्र भी उसी समय आया है जब अभी एक साल बाद 2022 में ही फ्रांस में चुनाव होने हैं। इसी के साथ ही दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे।